नमस्ते। इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं रीट एग्ज़ाम 2025 के लिए, चाहे वो प्री का एग्ज़ाम हो या उसके बाद में होने वाला मेंस एग्ज़ाम। उसके लिए जो हमारी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो नोट्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो अजय चौधरी सर के द्वारा लिखवाए हुए नोट्स हैं, काफ़ी अधिक शानदार नोट्स हैं। इन मैटर से प्रत्येक एग्ज़ाम में, रीट के अलावा भी आप सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी ले लीजिए, उनमें 99% प्रश्न जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन नोट्स से आ जाते हैं। काफ़ी शानदार मैटर हैं और आपको इस चैनल पर मैं ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आपको साथ साथ में इन नोट्सों को लिखना है और बार बार इनका रिवीजन करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दे रखा है हमारा, जो आज हम शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट बाल विकास की, चाइल्ड डेवलपमेंट वाली। तो बाल विकास कहते किसे हैं? बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भाधान से लेकर परिपक्व अवस्था तक के बालक में होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो ये बाल विकास की एक सामान्य परिभाषा है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाल विकास के अंतर्गत क्या आता है? गर्भाधान से लेकर परिपक्व अवस्था तक बच्चे के अंतर्गत जो भी जितने भी प्रकार के परिवर्तन होते हैं उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। अब देखिए दो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं बर्क और क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बर्क ने जो परिभाषा दी है वो यहाँ पर दे रखी है। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको किस तरह ध्यान रखनी है बर्क की इस परिभाषा को। बर्क ने जन्म पूर्व अवस्था से लगाकर परिपक्व अवस्था तक का जिक्र किया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड है क्रो एंड क्रो की परिभाषा। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोर अवस्था तक करता है। तो देखिए क्रो एंड क्रो ने तो गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोर अवस्था तक का जो काल है वो बताया है बाल मनोविज्ञान का, या फिर बाल विकास का जो समय अवधि है वो। तो ये जो कीवर्ड है ये आपको ध्यान रखने हैं, गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था, किशोर अवस्था, ये जो वर्ड है ये यूज़ की है क्रो एंड क्रो ने, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक ये वर्ड यूज़ किए हैं बर्क ने, क्योंकि आगे भी काफ़ी सारी परिभाषाएं आएगी आपको याद करने के लिए कुछ न कुछ जो वर्ड है वो पकड़ने होंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है बाल विकास किशोर अवस्था के अंत तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है, यानी जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक जितने भी प्रकार के होने वाले परिवर्तन हैं उन सभी को बाल विकास के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक होता है विकासात्मक मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत जीवन प्रयत्न जितने भी प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उन सभी को विकासात्मक मनोविज्ञान में शामिल किया जाता है। हमारे सिलेबस के अंतर्गत बाल विकास है तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर दो प्रकार की टर्मिनोलॉजी है, एक है वृद्धि और एक है विकास। तो वृद्धि और विकास की संकल्पना, वृद्धि या फिर इसको हम अभिवृद्धि भी कह सकते हैं, ये क्या होती है? देखिए इसका डायरेक्टली जो मतलब है वो शरीर के अंतर्गत होने वाले जो परिवर्तन हैं जो कि हमें दिखते हैं, जैसे कि शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी, जैसे हम छोटे से बड़े हो रहे हैं, इस प्रकार की जितनी भी बढ़ोतरी होती है उनको वृद्धि कहा जाता है। इसके अलावा अथवा कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि को भी अभिवृद्धि कहते हैं। अब देखिए नॉर्मली गुणात्मक शब्द का यूज ना विकास के लिए किया जाता है, लेकिन एग्जाम में अगर ये पूछ ली जाए कि कोशिकाएं, जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता है कोशिकाओं के अंतर्गत वृद्धि होती है, तो कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि, ये जो परिभाषा है ये परिभाषा है अभिवृद्धि या फिर वृद्धि की, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। शरीर के अंतर्गत जो ऊंचाई है, वजन है, इनमें सभी प्रकार को जो परिवर्तन आता है वो वृद्धि के अंतर्गत आता है। वृद्धि की एक परिभाषा दी गई है फ्रैंक के द्वारा, इस परिभाषा को आप जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। वृद्धि को देखा जा सकता है, ये वृद्धि की एक विशेषता है, आप ध्यान रखिए। सेकेंड नंबर पर है विकास। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म पूर्व से जीवन प्रयत्न तक
तक लगातार चलती रहती है। तो विकास जन्म पूर्व अवस्था से लगाकर जन्म का जहाँ तक हमारा अंतिम समय होता है, यानी कंप्लीटली हमारा जितना भी जीवन काल है वहाँ तक विकास होता रहता है। यह आप ध्यान रखिएगा, बाल विकास के अंतर्गत जन्म या फिर जन्म पूर्व अवस्था से किशोर अवस्था तक, यह आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम ऑल ओवर विकास की बात कर रहे हैं, ये जीवन प्रयत्न चलता है। यहाँ पर जो विकास वाला जो शब्द है ये एक व्यापक शब्द है, जबकि वृद्धि एक संकीर्ण शब्द है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में केवल शारीरिक रूप से ही परिवर्तन नहीं होता, बल्कि व्यक्ति में सोचने की क्षमता, सांवेगिक सामाजिक नियमों को समझने आदि से संबंधित जो इतने भी प्रकार के परिवर्तन होते हैं उनको भी विकास में शामिल किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इन सभी के आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये देखिए काफ़ी शानदार नोट्स हैं, अगर आप इनको आत्मसात कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। अब देखिए, विकास से संबंधित दो यहाँ पर परिभाषाएँ, एक परिभाषा यहाँ पर दे रखी है हर्लॉक की। तो ये देखते हैं, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। तो देखिए, इसमें आप कौन से कीवर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, याद रखने के लिए यूज में ले सकते हैं। तो लक्ष्यों की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम, इस तरह कुछ ऐसे वर्ड जो भी आपको अच्छे लगे, जो स्पेसिफिक होने चाहिए, सभी परिभाषाओं में अलग अलग होने चाहिए, इस प्रकार के वर्ड आपको लेने हैं। प्रगतिशील क्रम, ये आप शब्द ले सकते हैं विकास की परिभाषा के लिए। ये किसने दिए, हर्लॉक के द्वारा दी गई है। हर्लॉक ने ही एक ये भी कहा है, ये नीचे वाला जो इनका कथन है वो इम्पोर्टेंट है, विकास का अर्थ प्रगतिशील, ये देखिए वापस प्रगतिशील हर्लॉक ने यूज़ किया है, विकास का अर्थ प्रगतिशील परिवर्तनों का एक नियमित क्रमबद्ध एवं सुसंबद्ध प्रतिमान है। तो ये विकास की परिभाषा दी गई है हर्लॉक के द्वारा। अब देखिए कुछ यहाँ पर टर्म्स दे रखी है, प्रगतिशील, क्रमिक, सुसंबद्धता, तो इनके बारे में देखते हैं। प्रगतिशील, इसको इंग्लिश के अंतर्गत कहा जाता है प्रोग्रेसिव। विकास के अंतर्गत परिवर्तनों की जो दिशा है वो अग्रगामी होती हैं। विकास द्वारा होने वाले परिवर्तन व्यक्ति को पिछली अवस्था से आगे आने वाली अवस्था की ओर अग्रसित या फिर अग्रसर करते हैं। यानी जो विकास है वो एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, हमेशा विकास आगे की ओर ही बढ़ता है। जैसे कि सबसे पहले हमारी जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो इस तरह जो विकास है वो प्रगतिशील होता है। आगे हैं क्रमिक, क्रमिक को इंग्लिश में ऑर्डरली कहते हैं। यह शब्द विकास के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्रमिक या फिर ऑर्डरली जो शब्द है इसका जो प्रयोग है वो विकास के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले सभी परिवर्तन जो हैं वो क्रमबद्ध होते हैं, यानी विकास के अंतर्गत जितने भी प्रकार के परिवर्तन होते हैं ना वो क्रमबद्ध यानी ऑर्डरली सीक्वेंस के अंतर्गत होते रहते हैं। और कोई भी जो परिवर्तन है शरीर के अंतर्गत, किसी भी प्रकार का परिवर्तन है, एक विशेष परिवर्तन के पहले या फिर बाद में घटित होता है। यानी कोई भी पहले या फिर बाद में होने वाले जितने प्रकार के परिवर्तन हैं उनसे ही कोई दूसरा जो परिवर्तन है वो शरीर के अंतर्गत होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक फैक्ट और दे रखा है, इसके अंतर्गत अगर विकास के परिवर्तन जो हैं वो क्रमिक ना हो, यानी विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो ऑर्डरली नहीं हो, तो इनका पूर्व कथन या फिर प्रेडिक्शन भी संभव नहीं होता। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देखिए कोई व्यक्ति है, कोई बालक है जिसका जन्म हुआ है, वो 1 साल, 2 साल, 4 साल, तो समय के अनुसार ऑर्डर के रूप में उसका विकास होता है। यानी 1 साल में वो कुछ उसके शरीर के अंतर्गत कुछ परिवर्तन होगा, 4 साल का जब तक होगा उसके अंतर्गत कुछ और परिवर्तन होगा, 6 साल का होगा तब उसके अंतर्गत कुछ परिवर्तन होगा। तो विकास जो है वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग परिवर्तित होता रहता है। लेकिन अगर जो विकास है, विकास में जो परिवर्तन है वो ऑर्डरली या फिर सीक्वेंस के अंतर्गत अगर नहीं होंगे, तो हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि जैसे कि आज कोई 1 साल का बच्चा है वो उसके 6 साल के बाद में ये परिवर्तन होंगे। तो इस प्रकार ये चीज़ें हैं।
यानी विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं वो क्रमिक होते हैं, और इसी कारण हम विकास का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं कि आगे आगे व्यक्ति के शरीर के अंतर्गत इस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो यही है क्रमिक या फिर ऑर्डरली विकास का, क्रमिक ठीक है परिवर्तन। आगे हैं सुशब्दता, कोहरेंस। विकास में होने वाले सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों में सुसंगति एवं सुशब्दता देखी जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये तीन इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं विकास से संबंधित। इसको समझते हैं, जैसे कि जिस बच्चे का शारीरिक व क्रियात्मक विकास शीघ्र होता है, उनका सांवेगिक व सामाजिक विकास भी अपेक्षाकृत शीघ्र होता है। तो ये है कोहरेंस। अब देखिए, विकास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। विकास में वृद्धि समाहित होती है, विकास मात्रात्मक प्लस गुणात्मक इसके अंतर्गत परिवर्तन होते रहते हैं, जबकि वृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह अनुवांशिकता का वातावरण का उत्पाद है। तो ये विकास के संबंध में चार इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिए। अब देखिए, विकास के विभिन्न आयाम, ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से कौन से विकास के आयाम है या फिर नहीं है। तो ये देखते हैं, पहला जो विकास का आयाम है वो है शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास। ये आप ध्यान रखिएगा, ये विकास का एक आयाम है शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास। इंग्लिश में इसे फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है, शारीरिक विकास के अंतर्गत सामान्य शारीरिक संरचना, लंबाई हो गया, भार हो गया, हड्डियाँ, तंत्रिका तंत्र, अंत्र स्रावी ग्रंथियाँ, इन सभी को शारीरिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जबकि क्रियात्मक विकास के अंतर्गत क्या आता है, चलना हो गया, दौड़ना, तैरना, लिखना, खेलना, इन सभी को क्रियात्मक विकास के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, शारीरिक विकास के अंतर्गत ये फैक्ट हैं और क्रियात्मक विकास के अंतर्गत ये वाले फैक्ट हैं। तो अब देखिए, एग्जामों के अंतर्गत, थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत मैंने कई बार देखा है, आपको ये दे देंगे कि चलना, दौड़ना, तैरना किस प्रकार के विकास के आयाम के अंतर्गत आता है। शारीरिक आयाम, क्रियात्मक आयाम या फिर संज्ञानात्मक विकास का आयाम, तो अलग अलग प्रकार के ऑप्शन होंगे। आपको ध्यान रखना है, चलना, दौड़ना, तैरना ये सभी क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, सेकंड पर है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आपको बस ये टर्म्स पकड़ने हैं, ये जितने भी शब्द हैं ना, इन शब्दों को पकड़ना है बस। ये शब्द किसके अंतर्गत आने वाले हैं, ये हमारे आने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। चिंतन की शक्ति हो गई, कल्पना शक्ति हो गई, सृजनात्मकता हो गई, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास इसके अंतर्गत सम्मिलित है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। तो ये हमारा सेकेंड आयाम हो गया। थर्ड आयाम है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के अंतर्गत, इसके अंतर्गत ऐसे गुण अर्जित होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। तो समाज से जुड़े जितने भी हमारे कार्य हैं या फिर प्रत्याशा है, ठीक है, सामाजिक प्रत्याशा हैं, तो वो सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगी। फोर्थ नंबर पर है संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास के अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत विभिन्न संवेगों की उत्पत्ति। अब देखिए, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, संवेगों की उत्पत्ति संवेगात्मक विकास के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा उनका विकास, जो संवेगात्मक उत्पत्ति है इनका विकास व उचित संवेगों का उचित समय अनुसार प्रदर्शन, आवश्यकता अनुसार संवेगों पर नियंत्रण करने की जो क्षमता है, इन आदि का विकास, ये सभी शामिल है संवेगात्मक विकास के अंतर्गत। अगला जो हमारा आयाम है वो है नैतिक या चारित्रिक विकास। इसके अंतर्गत बालक में सही गलत, नैतिकता अनैतिकता का बोध सम्मिलित किया जाता है। यानी ये देखिए, नैतिकता से संबंधित है या चारित्रिक विकास, इनसे संबंधित है ये, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ये हैं विकास के प्रमुख आयाम, इनके बारे में आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, कौन सी बातें किस आयाम के अंतर्गत आती हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आगे हैं
अभिवृद्धि और विकास में अंतर वापस हम देख लेते हैं। ऐसे आगे हमने पूरा इनके बारे में अच्छे से देख लिया है, एक बार वापस यहाँ पर देख लेते हैं। दोनों में अंतर होते हुए भी ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, ये फैक्ट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वृद्धि या फिर अभिवृद्धि दे रखी है, यहाँ पर विकास दे रखा है। एक निश्चित समय के बाद में जो वृद्धि है वो रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है, विकास मात्रात्मक प्लस गुणात्मक परिवर्तन है। सभी परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप से मापा या फिर देखा भी जा सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मापा या देखा नहीं जा सकता है विकास के अंतर्गत सभी प्रकार के परिवर्तनों को। आगे जो फोर्थ पॉइंट है, जो वृद्धि है वो एक संकुचित संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट है, जबकि विकास एक व्यापक कॉन्सेप्ट है। वृद्धि शारीरिक परिवर्तन, इसके अंतर्गत शरीर में जितने भी प्रकार के परिवर्तन होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, जबकि विकास में शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, सांवेगिक, नैतिक परिवर्तनों को भी शामिल किया जाता है। केवल परिमाण संबंधी संरचनात्मक परिवर्तन रखे जाते हैं। संरचनात्मक व कार्यात्मक दोनों तरह के परिवर्तन विकास के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जो है इन दोनों के अंतर्गत अंतर ये हमने देखे हैं। अब हम देखिए अगली क्लास के अंतर्गत हम विकास के नियम देखेंगे। काफ़ी शानदार जो मैटर है ये दे रखा है, लगभग 16 से अधिक विकास के नियम हैं। यहाँ से हर एग्ज़ामों के अंतर्गत प्रश्न बनता है, स्पेशली रीट एग्ज़ाम में तो यहाँ से एक प्रश्न तो 100% आता है, और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी साइकोलॉजी का एक प्रश्न विकास के नियमों से बनता है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अच्छे से इसको देखेंगे। तब तक आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें, अधिक से अधिक रिविज़न करें। निश्चित रूप से अगर आपने मन लगाकर अपनी स्टडी की तो आप जल्द ही अध्यापक के रूप में चयनित होकर स्कूलों में जाएंगे। तब तक आप अपना संघर्ष जारी रखिए, और नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।